हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। कई सारे स्टूडेंट्स का हमारे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट्स आ रहा है कि उन्हें साइंस एग्जाम देने से पहले बहुत ज्यादा डर लग रहा है। उनको डर है कहीं वे साइंस में फेल ना हो जाए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड आएगा, कुछ इस तरह की थिंकिंग स्टूडेंट्स अभी रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस उतने भी ज्यादा आप लोग के टफ नहीं आने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल रिलैक्स रहे और पासिंग मार्क्स तो आप लोग अवश्य ले आओगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलिए इसके पीछे हम लोग रीजन समझते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि 20 हम लोग का 1 मार्क्स में क्वेश्चंस रहेगा। इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। 20 क्वेश्चन अगर आप 1 मार्क्स में सिर्फ बना के आ जाते हैं तो उसमें से अगर आपका 10 भी सही होता है तो भी आप पास तो वहीं हो गए, ठीक है। तो आपके अंदर अगर ये चल रहा है कि हम फेल हो जाएंगे तो पहले तो ये मेंटेलिटी आप लोग हटा लें, कोई भी फेल नहीं होगा, ये आप लोग कंफर्म रहे। और जहां तक कि पास होने का सवाल है तो इसके लिए एक जो टिप्स मैं आप लोग को बता देता हूँ, तो ये सारे टिप्स आप लोग फॉलो कर ले, आप लोग डेफिनेटली अपने एग्जाम में न सिर्फ पास करोगे, आप लोग अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो। नंबर 1 टिप्स आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के, चाहे वो मल्टीपल चॉइस हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो या फिर ट्रू फॉल्स आए, किसी तरह के भी क्वेश्चंस आए, उन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से बनाए। और उसके लिए आप लोग थोड़ा सा वेट कर ले, उसको लास्ट में बना ले, आराम से बनाए उसको, वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट उसमें से 20 में अगर आप 10 से 15 भी आपका अगर सही हो जाता है तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेंड कर सकते हो। लेकिन अगर वहां पे गलती हुआ तो हमें थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव भी गलती होता है तो हमें फिर भी डरने की आवश्यकता नहीं है। वहां से अगर हम लोग 5 या 6 नंबर भी ऑब्टेंड कर सकते हैं तो क्या हम थ्योरी में बाकी जो 60 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसमें क्या हम 10 या 15 नंबर नहीं ला सकते हैं? जरूर ला सकते हैं। आपका तो 5, 7 से 8 नंबर, 10 नंबर तो ऐसा क्वेश्चन रहता है जो हर बार रिपीटेड रहता है। रिपीटेड का मतलब क्या हो गया, मिरर फॉर्मूला या फिर लेंस फॉर्मूला। यहाँ से एक न्यूमेरिकल रहता है, पिछले वीडियो में मैंने समझाया हुआ है किस तरह से आप मिरर और लेंस फॉर्मूला के क्वेश्चंस को बनाते हैं, उसको आप लोग देख ले। एक क्वेश्चन आपका वहां से 3 से 5 नंबर में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका 5 नंबर गारंटी जो है वो फिक्स आप लोग का पूछा जाएगा। इसके बाद एक डायग्राम है, डायग्राम भी हम लोग एग्जाम में 100% फिक्स है कि रहेगा आपका बायोलॉजी में, तो इसके लिए भी मैंने इंपॉर्टेंट डायग्राम आप लोग को बताया हुआ है, उसको भी आप लोग देख ले। वहां से भी हम लोग के डायग्राम में से आप लोग के 3 से 5 नंबर आ जाएगा, तो 5, 3, 8 नंबर तो हमारे यहीं पे हो गए। और बाकी मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को बहुत सारे ऐसे दिए हुए, 50 आप लोग को दिया हुआ है 3 मार्क्स के लिए, और 5 मार्क्स के लिए करीब 10 क्वेश्चन आप लोग को मैंने दिया है, ठीक है। तो चलिए, सारे क्वेश्चंस की हम तैयारी नहीं कर सकते, सारा क्वेश्चन में भी हम याद नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैंने इससे पहले पढ़ा नहीं है, हो सकता है कुछ इस तरह की थिंकिंग होगी। तो इसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है, 5 टाइप्स के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, अगर हम 5 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस को समझ लिए तो डेफिनेटली वहां से भी एक 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो उधर 8 हो गया था, इधर 3 और 2 करके भी अगर हम जोड़ेंगे तो 8, 5, 13 नंबर तो यहीं पे हो गया। अब ये सब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी इजी ये सब सारे टॉपिक है, ठीक है। एक बार अगर आप देख लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा, कल तक अभी भी आपके पास टाइम है, किसी को अगर नहीं पता होगा तो वे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग को आता है तब तो टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, आपका जो है यहाँ से नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन है जो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन हर बार हमारे एग्जाम में रहते हैं। एक हम लोग का इलेक्ट्रिक जनरेटर और एक इलेक्ट्रिक मोटर, यहाँ से भी 5 मार्क्स में क्वेश्चन रहता है, प्रिंसिपल और वर्किंग लिखने के लिए रहता है, तो उसको भी आप लोग देख ले। 5 मार्क्स वहां पे आ गए, कितने मार्क्स हो गए, 13 और 5, 18 मार्क्स आप लोग का यहीं पे हो गया, ठीक है। हम लोग को लाने चाहिए कितने, हम लोग को चाहिए ओनली 15 से 16 नंबर, क्योंकि ओवरऑल चाहिए 33 मार्क्स। अगर हम लोग का इंटरनल असेसमेंट में 17 मार्क्स भी आता है जो कि सबसे लो नंबर दिया जाता है, ठीक है, 17 से कम किसी भी स्टूडेंट्स का नहीं दिया जाता है। बाय द वे अगर आपका 17 भी आता है तब भी इधर 3 और 10 13, 13 3 16, 16 नंबर चाहिए, जबकि 18 नंबर तो आपके यहीं पे होगा है, जो कि हर बार क्वेश्चन जो होता है ये सब सारे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, हर साल पूछ जाता है। आप किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, ये सब सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एक चीज और आप लोग को बताना चाहूंगा, जो लेफ्ट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल है, ये दोनों आप लोग देख ले, जो फ्लेमिंग का रूल होता है, ठीक है, वहां से भी एक क्वेश्चन हम लोग का रहता है 3 मार्क्स में। तो 18 और 3 कितने हो गए, 21, तो 25 से 30 मार्क्स आप आराम से ऑब्टेंड कर सकते हैं। और उधर हम लोग का 17 to 18 मार्क्स तो आएगा ही,
तो इस तरह से हम 41 to 50 marks आराम से ऑब्टेन कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दे देते हो तो आपके मार्क्स भी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। और आपके अंदर जो डर है, पहले इस डर को आप लोग हटाएं और आप लोग का एग्ज़ाम डेफिनेटली बहुत ही अच्छा जाएगा। कल के एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।